हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बालमुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। चैप्टर वाइज ट्रिपल सी प्रैक्टिस पेपर इन हिंदी के पार्ट 5 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क के 50 क्वेश्चंस, जो कि मई जून जुलाई या फिर आगे की जो भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर आप सी या ओ लेवल या अदर किसी कंप्यूटर कोर्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे चैनल की तरफ से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डॉट नेट डोमेन किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो डोमेन होता है कई तरीके का, जैसे डॉट नेट, डॉट कॉम, ईडीयू, डॉट इन, ओआरजी, इस तरीके के कई सारे डोमेन्स होते हैं। जो डॉट नेट डोमेन होता है वो हम यूज करते हैं नेटवर्क से संबंधित कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। तो यहाँ पे जो आंसर बी, ऑप्शन बी है, ये करेक्ट आंसर है इसका, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मॉड्यूलेशन प्रक्रिया क्या है। तो मॉड्यूलेशन प्रक्रिया क्या होती है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। ऐसे डी मॉड्यूलेशन होता है जिसमें हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलते हैं। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने के लिए, और ये काम होता है हमारा मॉडम के थ्रू। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा उपकरण मॉड्यूलेशन तथा डी मॉड्यूलेशन प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जाता है। तो इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये हम उपयोग करते हैं, इसके लिए यूज करते हैं मॉडम। मॉडम एक ऐसा डिवाइस है जो मॉड्यूलेशन या डी मॉड्यूलेशन के काम के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नेटवर्क किसी एक शहर को कवर करता है। तो अगर किसी एक सिटी को आपको नेटवर्क के थ्रू कवर करना है या पूरी सिटी में आपको नेटवर्क बिछाना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं मैन, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे बी, मैन करेक्ट आंसर है, जबकि लैन हम लोकल एरिया नेटवर्क किसी विद इन अ बिल्डिंग, विद इन अ ब्लॉक डिज़ाइन करने के लिए यूज करते हैं, और वाइड एरिया नेटवर्क पूरी कंट्री में अगर हमें एक नेटवर्क सेटअप करना होता है तो हम उसको बोलते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, अगला क्वेश्चन है, केबल टीवी नेटवर्क के लिए किस केबल का उपयोग किया जाता है। तो जो शहर में या सिटीज़ में जो केबल टीवी नेटवर्क होता है उसको बिछाने के लिए हम यूज करते हैं कोएक्सियल केबल। तो यहाँ पे आंसर डी, ऑप्शन डी, कोएक्सियल केबल करेक्ट आंसर है। ये बिल्कुल अलग तरीके का केबल होता है, इसमें एक बीच में मोटा सा वायर होता है और चारों तरफ एक जाली सी होती है तार की, उस केबल को हम बोलते हैं कोएक्सियल केबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर किया जा सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे डिवाइस का नाम दिया हुआ है, तो इसमें प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, स्पीकर। तो यहाँ पे हम प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं, तो ये करेक्ट आंसर है। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस डिवाइस को केबल के बिना नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। तो अगर आप किसी डिवाइस को बिना केबल के नेटवर्क से जोड़ सकते हैं तो वो हमारा डिवाइस होता है वायरलेस डिवाइस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी, वायरलेस डिवाइस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूआरएल का विस्तृत रूप क्या है। तो यूआरएल का यहाँ पे फुल फॉर्म हमें बताना है, यूआरएल होता है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वह है बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये बेसिकली जो आप वेब एड्रेस होता है उसको हम बोलते हैं यूआरएल, और उसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस में कितने पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस में दो पार्ट होते हैं, एक होता है यूज़र नेम और दूसरा होता है डोमेन नेम। तो यहाँ पे दो पार्ट्स होते हैं, एट द रेट से पहले यूज़र नेम होता है और एट द रेट के बाद हमारा डोमेन नेम होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, वह कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें एक कंप्यूटर से नेटवर्क के सभी कंप्यूटर जुड़े होते हैं। तो एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें एक सेंटर में कंप्यूटर होता है, बाकी सारे कंप्यूटर्स उस कंप्यूटर के थ्रू जुड़े होते हैं, ऐसी टोपोलॉजी को हम बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो सी, स्टार टोपोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपीपी का विस्तृत रूप है। तो ये होता है पीपीपी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, मेस टोपोलॉजी में पांच कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए कितनी केबल्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पे अगर हम मेस टोपोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ केबल्स यूज होते हैं वो एन, एन माइनस वन डिवाइड बाई
टू, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये होते हैं नंबर ऑफ, एन का मतलब है नंबर ऑफ नोड्स। अगर यहाँ पे फाइव नोड्स होंगे तो यहाँ पे फाइव और फाइव माइनस वन फोर हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, डिवाइड बाय टू तो 10। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो 10। आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं ताकि अगर आप किसी भी नंबर ऑफ नोड्स के बारे में पूछा जाए, मैथ्स टोपोलॉजी में कितने नंबर ऑफ केबल्स लगेंगे, तो आप इजीली इससे निकाल सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, किसी नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? तो किसी भी नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर हमारा होता है नेटवर्क सर्वर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी नेटवर्क सर्वर, या सर्वर भी इसको बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क की क्षमता कितनी होती है? तो पर्सनल एरिया नेटवर्क हमारा जो मैक्सिमम है वो 30 मीटर्स तक की एरिया कवर करता है, जो ब्लूटूथ का एक रेंज है। ब्लूटूथ के थ्रू हम जो भी डिवाइस आपस में कनेक्ट करते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। जैसे आप मोबाइल से अपने ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट करके आप बात कर सकते हैं, या फिर स्मार्ट वॉचेस को आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर कई तरीके के मेडिकल डिवाइसेज आते हैं जिनको हम फिजिकली कैरी करते हैं और वो हमारे किसी एक नेटवर्क से जुड़े रहते हैं, जो कि हमारे पॉकेट में, जेब में मोबाइल या वाईफाई डिवाइस जो भी रखा हुआ है उससे वो कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पे वो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है जिसकी मैक्सिमम रेंज 30 मीटर होती है, और इसका एग्जांपल होता है ब्लूटूथ। अगला क्वेश्चन है, दो अलग लैन को आपस में जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अगर आपको दो लैंस को आपस में जोड़ना है तो उसके लिए आप यूज करेंगे राउटर। राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है। ओके, अगला क्वेश्चन है, WWW का पूर्ण रूप है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो डी, सॉरी सी, करेक्ट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन है, HTTP का पूर्ण रूप है? तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, अगला क्वेश्चन है, HTML का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो HTML एक लैंग्वेज होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसकी हेल्प से हम वेब पेज डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे वेब पेज बनाने के लिए, तो सबसे पहला ऑप्शन है ए, वेब पेज बनाने के लिए, इसको मार्क करेंगे। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? तो अगर आपको माइक्रो कंप्यूटर्स को टेलीफोन से जोड़ना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं मॉडम, जो कि मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। निम्न में डोमेन नेम किसे कहते हैं? तो यहाँ पे डोमेन नेम किसे कहते हैं, वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसको हम बोलते हैं डोमेन नेम, वेबसाइट एड्रेस को। ओके, इसको मार्क कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ISP का विस्तृत रूप है? तो ISP होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे इंडिया में काफ़ी सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जिसमें से जियो, एयरटेल, ओडा, आइडिया, ये काफ़ी सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, NIC का विस्तृत रूप क्या है? तो NIC का यहाँ पे फुल फॉर्म बताना है। तो NIC हमारा होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है डी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये हमारे कंप्यूटर में लगा रहता है जिससे हम नेटवर्क की केबल को कनेक्ट करते हैं, वो हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में तेज गति से डेटा भेजने वाला केबल कौन सा है? तो अगर हमें हाई स्पीड में डेटा भेजना है उसके लिए हम यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी, ऑप्टिकल फाइबर। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेटवर्क में रिपीटर डिवाइस का क्या कार्य है? तो रिपीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, जब हम लंबी दूरी तक अपने नेटवर्क केबल्स बिछाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक फिक्स डिस्टेंस के बाद जो हमारे सिग्नल्स होते हैं वो वीक होने लगते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं रिपीटर डिवाइस, जो कि एक नेटवर्क डिवाइस है, वो क्या करता है, वीक होते हुए सिग्नल्स की सेम कॉपी रीजनरेट कर देता है। तो ये सिग्नल्स को रीजनरेट करता है। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि जो हमारा रिपीटर होता है वो सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करता है, रीजनरेट कर देता है। मीन्स जिस तरीके का उसको पैटर्न मिलता है उसी तरीके के पैटर्न को वो रीजनरेट करके आगे भेज देता है।
निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो यहाँ पे याहू एक सर्च इंजन है, गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, क्रोम एक वेब ब्राउजर है, ये सर्च इंजन नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्रोम। अगला क्वेश्चन है, अब ये यहाँ पे हमने 25 लिए हैं MCQs और यहाँ पे 25 क्वेश्चन रखे हैं ट्रू एंड फॉल्स। तो इस सीरीज में हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक सॉरी MCQ क्वेश्चंस की क्वांटिटी इक्वल रखें। तो अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपने आपको ये चीज़ पता होगी। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उनका मिला है और उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा, या हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक प्लेलिस्ट है, उसमें से आप ये सारे वीडियोज़ देख पाएंगे। ओके, तो आते हैं इस क्वेश्चन पे। ईमेल ईमेल सर्वर के द्वारा भेजा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू है, ईमेल को हम ईमेल सर्वर के द्वारा भेजते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम ग्राफिकल वेब ब्राउजर मोजाइक था, तो बिल्कुल सही है, ये आप याद कर लीजिए, हिस्टोरिकल क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड। मोजाइक एक ऐसा पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल पी के द्वारा वेब पेज को प्रिंट कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, अगर आप किसी वेब पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप जैसे ही शॉर्टकट की कंट्रोल पी यूज करेंगे आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो वेब ब्राउजर हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे ये फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है, मैन एक विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क है, तो यहाँ पे मैन हमारा विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क नहीं होता है, क्योंकि वैन हमारा वाइड एरिया नेटवर्क होता है, वो विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क होता है और ये सीमित एरिया के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे ये भी फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ एक पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, बिल्कुल सही, जैसा कि इससे पहले एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, उसमें हमने बताया भी था एग्जाम्पल। मैश टोपोलॉजी में नोड्स को, यहाँ पे नोड्स लिखा हुआ है, नोड होता है, नोड्स को आपस में जोड़ने के लिए अधिक तारों की आवश्यकता होती है, इससे इसकी लागत बढ़ जाती है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम मैश टोपोलॉजी यूज करते हैं तो यहाँ पे मैश टोपोलॉजी हमारी सबसे महंगी टोपोलॉजी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ केबल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं कंपेयर टू अदर टोपोलॉजीज। अगला क्वेश्चन है, चैटिंग एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन का माध्यम है, तो बिल्कुल सही, आप चैटिंग के थ्रू रियल टाइम पे किसी से भी आप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट नेटवर्क का नेटवर्क है, तो बिल्कुल सही, इंटरनेट एक नेटवर्क्स का नेटवर्क होता है, तो ये बिल्कुल सही, इसको मार्क कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, यूआरएल किसी वेबसाइट का वेब एड्रेस होता है, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, मॉडम एक इनपुट डिवाइस है, ये फॉल्स है, मॉडम एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ये मॉडम एक नेटवर्क डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, IPv4 का साइज 64 बिट होता है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि IPv4 का साइज होता है 32 बिट और IPv6 का साइज होता है 128 बिट। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, TCP/IP एक नेटवर्क मॉडल है, तो बिल्कुल सही है, ये TCP/IP और ISO एक मॉडल होता है, ये दो मॉडल्स हैं, दो दो हमारे इंटरनेट या नेटवर्क मॉडल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राउटर नेटवर्क में ट्रैफिक कंट्रोल करने का कार्य करता है, तो बिल्कुल सही, जब हम डेटा राउटर के थ्रू भेजते हैं तो ये क्या करता है, उसको पाथ प्रोवाइड करता है, किस शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू इस डेटा को हमें भेजना है। अगला क्वेश्चन है, फायरवॉल इंटरनेट की स्पीड कंट्रोल करता है, तो बिल्कुल ये गलत है, फायरवॉल हमारा एक सिक्योरिटी टूल होता है जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ड रहता है, और ये एक गेट कीपर की तरीके से काम करता है, अगर कोई डेटा हमारे किस सिस्टम में आ रहा है या हमारे सिस्टम से जाने वाले डेटा को ये मॉनिटर करता रहता है। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, लैंड नेटवर्क 100 मीटर की दूरी तक काम करता है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि लैन हमारा 2.5 किलोमीटर की दूरी तक मैक्सिमम काम करता है। ओके, लैन नेटवर्क के लिए स्टार रिंग और बस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है, तो बिल्कुल सही है, ये अगर आपको लैन नेटवर्क बिछाना है तो उसके लिए आप स्टार रिंग या फिर बस टोपोलॉजी में से कोई भी एक टोपोलॉजी यूज कर सकते हैं। फिर आर्पानेट विश्व का पहला वैन नेटवर्क था, तो ये बिल्कुल सही है, आर्पानेट हमारा पहला वाइड एरिया नेटवर्क था। अगला क्वेश्चन है,
सर्वर कंप्यूटर वो होते हैं जो नेटवर्क से जुड़े हुए दूसरे कंप्यूटर्स को रिसोर्स प्रदान करते हैं, तो ये भी सही है। सर्वर कंप्यूटर्स बाकी सारे नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है या रिसोर्सेज प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस का साइज 32 बिट होता है, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे दो बार लिख गया है 32 बिट, तो यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं। आईपी एड्रेस जो हमारा होता है उसका जो साइज होता है वो 32 बिट होता है। अगला क्वेश्चन है, हब एक ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है और स्विच एक यूनिकास्टिंग डिवाइस है, तो ये भी ट्रू है, इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीपीएन का विस्तृत रूप है, तो बीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मोज़ेगा मार्क एंडरसन द्वारा बनाया गया एक प्रसिद्ध वेब ब्राउज़र है, तो ये हमारा एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है जो पहला वेब ब्राउज़र है और इसको बनाया था मार्क एंडरसन, तो ये बिल्कुल सही है, इसको हम मार्क कर देंगे, यहाँ पे ट्रू है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक कॉमर्शियल इंफॉर्मेशन सर्विस है, तो इंटरनेट हमारा कॉमर्शियल इंफॉर्मेशन सर्विस नहीं होता है, इंटरनेट का कोई ऑनर नहीं है, तो यहाँ पे ये फॉल्स है, ये कॉमर्शियल सर्विस नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है, ब्राउज़र को वेब क्लाइंट भी कहते हैं, तो ये सही है। ब्राउज़र जो होता है हमारा, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, ये सब क्या है, वेब ब्राउजर्स हैं और इनको हम वेब क्लाइंट भी कहते हैं, तो ये ट्रू है। ओके, तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करूंगा। अगर हमारे व्हाट्सएप को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे कहीं नंबर दिखेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप डायरेक्टली हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप CCC O Level या किसी भी कंप्यूटर को उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओके, तो वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।